आज मैं आपको लौकी पुलाव बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो हमें क्या चाहिए, चलिए देख लेते हैं। ये हमने एक बड़ा लौकी था उसको कट कर लिया, हाफ लौकी लिया और उसे मैंने पील करके इसे अच्छे से धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, चलिए देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, हमें चाहिए खड़ा मसाला, ये हमने आधा चम्मच जीरा लिया, ये चार लौंग लिए हैं और ये 10 गोल मिर्च और एक इलायची, हरी इलायची, एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच है और ये 2 तेज़ पत्ते मैंने लिए हैं, ये हो गया। और ये मैंने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और उसके बाद ये है, ये हमें प्याज, एक बड़ा प्याज लिया है और एक छोटा प्याज लिया है और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, ये 6 हरी मिर्च लिए हैं। ये हमें तीखा ज़्यादा पसंद है इसलिए हम ज़्यादा ले रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम मसाला बनाएंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे गार्निशिंग के लिए। तो चलिए बनाते हैं। ये मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, इसे मैंने गर्म कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल, आप इसे घी में भी बना सकते हैं लेकिन मेरे घर में घी पसंद नहीं करते इसलिए मैं इसे रिफाइंड ऑयल में बनाऊंगी। आप देख सकते हैं मैं 2 बड़े चम्मच ले रही हूँ। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज, इसे हम फ्राई करके। आप देख सकते हैं हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे इसे गार्निशिंग करने के लिए। हमने प्याज निकाल लिया है ब्राउन करके, अब हम ये खड़े मसाले सारे इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे, ये हमारा हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे ये हमारा प्याज। ऐसे भी भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा प्याज पिंक हो चुका है, हम इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस लाइट पिंक करेंगे। अब ये हो चुका है, अब हम इसके अंदर अपना ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसे ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ऐड कर दिया, अब इसे भून लेंगे 1-2 मिनट भून लेंगे। ये देख सकते हैं हमारा 2 मिनट हो चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये बाकी हरी मिर्च और ये टमाटर, ये सारा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसे 5 मिनट भून लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसे भून लेंगे। और इसमें कोई सा भी मसाला नहीं जाएगा, बस इतना ही मसाले में हम लौकी पुलाव बनाएंगे। बहुत ही झटपट बनता है, 5 मिनट में बन जाता है, आप इसे ज़रूर बनाएं। तो आप देख सकते हैं ये हमने 2 मिनट भून लिया है, हमारा मसाला ऑयल छोड़ रहा है, ऑयल छोड़ने तक इसे पका लेंगे। अब हम इसके अंदर ये हमारा लौकी कटा हुआ है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर ये सारे लौकी ऐड कर दे रही हूँ। ये लौकी डाल के हम इसे भून लेंगे अच्छी तरीके से। इस तरीके से आप अच्छे से इसे मिक्स कर लें, इसे 2 मिनट भून लें। आप देख सकते हैं हम इसे 2 मिनट तक पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने पुलाव के चावल लिए हैं 1/2 किलो, मैंने इसे धोकर भिगा दिया था 1/2 घंटा, अब हम इसे ऐड करेंगे सब्ज़ी में, चलिए देखते हैं। सब्ज़ी को मैंने 5 मिनट तक भून लिया है, अब हम इसमें अपना चावल ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से
ये हमने चावल ले लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से ऐड कर दें। अब हम इसे मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से मिक्स करें। ये हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये हमारा लौकी है तो इसमें पानी भी निकलेगा, इसलिए हम इसमें पानी कम डालेंगे। आप इतना पानी डालें कि एडजस्ट हो जाए, चावल गीले ना हो। अगर आपके चावल गीले हो जाएंगे तो आपका पुलाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो आप उसी हिसाब से पानी डालें, ज़्यादा पानी ना डालें, अपने हिसाब से एडजस्ट करके डालें। आपका चावल जिस किस्म का है उसी हिसाब से पानी डालें। ये हमारा चावल जो पुलाव वाला चावल है, ये पानी ज़्यादा सोक करता है, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा पानी ऐड करूँगी। और हमारा लौकी भी पानी छोड़ेगा तो उसी हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। अब हो चुका है, अब हम इसमें सिटी लगाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमने पानी कितना डाला है, बिल्कुल लेवल से ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। आप देख सकते हैं उसी हिसाब से आप पानी डालें। और अब हम कर देंगे बंद। उसे बंद करके हाई फ्लेम पे एक सीटी ले लेंगे, एक लो फ्लेम पे सीटी ले लेंगे, उसके बाद ऑफ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्याज जो हमने ब्राउन किया था वो है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने ऑरेंज कलर का फूड कलर लिया है, उसे मैं इसमें एक चुटकी ऐड कर दूँगी। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे। ये देख सकते हैं काफ़ी है ये। अब हम इसे अच्छे से ब्राउन प्याज में मिक्स कर देंगे इस तरीके से। आप ब्राउन प्याज में मिक्स कर लें। अब ये हमारा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसे हमने कलर मिक्स कर लिया है, फूड कलर। अब ये हो चुका है, आगे मैं बताऊंगी इसका क्या करना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा दो सीटी लग चुका है, हमारा सीटी ठंडा हो चुका है। अब हम इसे खोल लेंगे। आप इसे इस तरीके से खोलें। ये देखिए कितना बढ़िया पक के तैयार हुआ है हमारा लौकी पुलाव, देख सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे ये हमारा प्याज, हमें प्याज थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए डाल रख लेंगे। अब आप इसके अंदर ऐड कर देंगे, इससे बहुत बढ़िया हमारा कलर आएगा पुलाव का। हमारे घर में जो पुलाव है वो थोड़ा सॉफ्ट ही खाते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जैसा भी बनाना चाहे। चलिए इसे सर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ये लौकी पुलाव बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बिल्कुल बना है ये। देखने में जितनी खूबसूरत है उतना खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप इसे बनाएं और खाएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।